Hey guys, welcome back to another video on update. So ये 7C से related video है and 7C ने like router invitational में मीरामार के map में like 9 kill निकाला था जिसमें scout भाई भी साथ में खेल रहे थे and आपको पता होगा कि like scout भाई कौन है, उनका क्या नाम है, 7C नया लड़का करके है and आपको पता ही होगा. So वो match आप आगे देख सकते हो. अभी के लिए इक्वलाइजर या फिर उनकी बराबरी यहाँ पर की जा सके, तो अब फिलहाल उनका भी एक स्ट्रगल चल ही रहा है. यहाँ पर हमने जैसे देखा था 23 पे पायदान में ये टीम चल रही है, क्योंकि इस गेम से अगर अंक नहीं निकाल पाई यहाँ पर टू ऑफ तो फिर उनका लिए भी काफी मुश्किलें बढ़ती थी. इसकी जायरू गॉड को यहाँ पर वहकिल के साथ वहां पर कैच किया, अक्षु की अब यहाँ पर बाल बाल बचे. यहाँ पर फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है जायरू गॉड तक भी बच पाना काफी मुश्किल सा ही नजर आ रहा है. फिलहाल अपने आप को हाइड करने की कोशिश जरूर कर रहे थे, लेकिन मैडमैन देखिए 7C के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं, तो अब बाकी टीम्स के लिए ट्रबल वो काफी ज्यादा कुछ करके दिखा रहे हैं. लेकिन क्या ये जो उनका मुकाबला है, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आखिरी बैटल है उनकी तरफ से. बट ये अगर मुकाबला निकाल दिया जाए जायरू गॉड के द्वारा, क्या कोई यहाँ पर कम्युनिकेशन नहीं मिला था, क्योंकि ऑलरेडी उन्हें पता कि वहां से ही उस ऊपरी सिरे से ही पहाड़ी सिरे से ही उनको नॉकआउट किया गया था, तो फिर भी खिलाड़ी इतना ओपन में आ रहा है. देखिए खिलाड़ी ओपन में आ रहा है और ट्वॉप की टीम, ऐसा नहीं कि ट्वॉप की टीम को अंक नहीं चाहिए, उन्हें भी अंक चाहिए, उन्हें भी अपने आप को सुनिश्चित करना है, अपनी जीत को सुनिश्चित करना है, अगले पड़ाव की तरफ बढ़ना है. और वो 23वें स्थान पर चल रहे हैं ओवरऑल स्टैंडिंग में, वो तो जरूर चाहेंगे कि यहाँ से वो अंक हासिल करें, बट जिस तरीके से उनके प्लेयर्स एक एक करके एलिमिनेट होते चले जा रहे हैं, खतरा उनके ऊपर बढ़ रहा है. तो टीम एनिग्मा वो भी एक फाइट के अगेंस्ट अपने आपको लेकर आते हुए ओएस रिट्रीब्यूशन के अगेंस्ट आए थे, और वो इस फाइट के बाद बचेंगे क्योंकि थर्ड पार्टी करने के लिए 7C ऑलरेडी वहां पहुंच चुकी है. एक खिलाड़ी मौजूद वहां पर नजर आते हुए ओएस की तरफ से, क्योंकि वही एक आखिरी सोलो सर्वाइवर है. उनके बाकी दो टीममेट वो तो चलिए एलिमिनेट हुए, बट उनका एक टीममेट अभी नॉक्ड है, हो सकता है वहां फंस चुका है. बट ईस्पोर्ट्स वाला के बाकी प्लेयर्स वो भी करीब रहने वाले हैं, वो एक अलग एंगल से स्प्रे लेने वाले हैं, बट इनके एक टीममेट इनवेडर FTW वो डाउन कर दिए जाते हैं और उन्हें जल्द से जल्द रिवाइवल देना होगा, क्योंकि मल्टीपल एंगल्स पर मल्टीपल टीम्स है, यानी मल्टीपल थर्ड पार्टीज होने के चांसेस आपके लिए रहेंगे. नया लड़का 7C की तरफ से वो खिलाड़ी बैक टू बैक फिनिशर्स निकाल रहा है, क्या 7C सच में इस मैच को एक 30 बॉम्बर में जिसके लिए वो खड़े थे काफी देर से, और थोड़ा सा बदला भी ले रहे थे क्योंकि दो प्लेयर्स उनके ताराशाही वहां पर किए गए थे. बट सामने है यहां पर काइनेटिक स्पोर्ट्स का चैलेंज, काइनेटिक गेमिंग का चैलेंज, जो मुझे अभी फिलहाल एलिमिनेशन के खतरे में नजर आते हुए यहां पर नजर आए, क्योंकि देखिए फिनिशेस उनके पास ज्यादा नहीं है, मात्र 4 फिनिशेस है. यहां पर उनको प्लेसमेंट पॉइंट के साथ फिनिशेस भी चाहिए, क्योंकि हमने देखा कि वो अभी के लिए 20s या 30s की लाइन में ही देखने को मिल पा रहे हैं, और अभी के लिए शायद यहां पर क्या HH का भी हमें क्या डोमिनेशन या फिर एलिमिनेशन आया, क्योंकि अभी कुछ देर पहले KE के दोनों खिलाड़ी थे शेक के अंदर, लेकिन शायद दोनों को ही गेम से बाहर कर दिया गया है. और 7 किस कर रही है गेम, जो शायद ये 1-2 मैच पहले आया होता तो मैं कह सकता था, मैं वो कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता था कि ये टीम क्वालिफाई करते हुए नजर आएगी, वो अगले पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई नजर आएगी. बट इतनी लेट आज के दिन आखिरी मैच रहने वाला है इस टीम का, और वो आखिरी मुकाबला, वो आखिरी मैच, भले ही ये टीम चिकन डिनर क्यों ना निकाल जाए, बट अभी भी वो जो सस्पेंस है वो बना रहेगा मेरे लिए भी, आपके लिए भी, दर्शकों के लिए भी, कि क्या ये टीम क्वालिफाई कर पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि वो सभी चीजें डिपेंड करती है बाकी टीमों के ऊपर भी, बाकी टीमों ने कितने अंक हासिल किए हैं, क्या इनके लिए वो जो अंकों का डिफरेंस है वो कम हुआ है या बढ़ा है. वहीं दूसरे छोर पर स्ट्राइकर वो कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी जी जान लगा रहे हैं कि वो 7C के अगेंस्ट वो जीत पाए, बट 7C एक एक करके बिखरती चली जा रही है, 3 प्लेयर्स डाउन कर दिए गए और 7C का जो आखिरी खिलाड़ी है वो उनसे कुछ ही दूर नजर आ रहा है, बट वो वहां से तो कैसे लगा आपको 7C का ये 9 किल मुझे कमेंट करके बताना. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कीप प्लेइंग, कीप सपोर्टिंग, बाय.